अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिधवा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार सी दो पारसी रेसिपीज़ लेके आई हूँ। मीठे में आज हम बनाएंगे दूध पाक, ठीक है, आर स्टाइल, और हम बनाएंगे आज मछली के साथ फिश रस। रस का मतलब होता है ग्रेवी। लेकिन कल जो हमने केक बनाया था, एगलेस केक, याद है अपने हमने बनाया था, वो एगलेस केक को हमने ठंडा किया और अब हम इसको पोक कर देंगे यूजिंग अ स्कूअर। ठीक है, स्कूअर से आप इसको पोक कर दीजिएगा अच्छी तरह, ताकि जो हम शुगर सिरप डालेंगे वो हर जगह अच्छी तरह अंदर चला जाए। आप चाहें तो इसको आप दो तीन हिस्सों में पतले पतले उसमें काट भी सकते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज़ आई विल जस्ट पुट सम शुगर सिरप। चीनी पानी का ये शीरा था, याद है मैंने बनाया था कल आपके सामने। बस थोड़ा सा आप अंदर ऐसे करके डालिएगा ताकि अच्छी तरह जज्ब हो। अब देखिए मेरा ये केक ना बैठ गया है बीच में से। डोंट वरी, अगर आपके साथ भी ऐसे कभी हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, हो जाता है, राइज होके बैठ जाता है। याद रखिएगा इसमें अंडे नहीं थे, इसमें मक्खन भी नहीं था, इट वॉज अ एगलेस केक। ठीक है जी, अच्छा ये हो गया, अभी अब्सॉर्ब हो जाएगा अंदर। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो ट्रफल था यानी गनाश था, चॉकलेट एंड क्रीम के साथ बनाया था, फ्रिज में रखा था, तो ऑब्वियसली ये सेट हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने 10 सेकंड माइक्रो किया, फिर निकाला, फिर इसको घुमाया, फिर माइक्रो किया, इसलिए कि मुझे इसको स्प्रेडेबल वाली कंसिस्टेंसी में लाना है, ठीक है, ताकि ये स्प्रेड हो सके। अब इस केक के ऊपर आपने इसको पॉर कर देना है, साइड्स पे करना है करिए, वरना सिर्फ आप केक के ऊपर कर दीजिए। और स्पैचुला का इस्तेमाल करिएगा, या आप इस्तेमाल करिएगा कोई ऑफसेट स्पैचुला, या पैलेट नाइफ ले लीजिएगा, जो भी, इसको कहते हैं पैलेट नाइफ, ठीक है। ये गनाश दोबारा सेट हो जाएगा, यहाँ एसी वगैरह चलते हैं ना, तो इसको हम स्प्रेड कर देते हैं, फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स या कुछ भी आपको डालना है वो डाल दीजिए, एंड देन जस्ट लीव इट आउटसाइड, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया। अब कुछ भी डाल दें, रेड शुगर है इसमें, टेंस एंड थाउजेंड्स हैं, ब्लू शुगर है, स्टार्स हैं, जो भी, वट एवर। चलें थोड़े थोड़े स्टार्स डाल देते हैं ऑन द साइड्स। ये सब एडिबल हैं, खा सकते हैं, ओके, प्लीज़ याद रखिएगा, ऐसे कोई चीज़ नहीं डालती हूँ मैं। And then some tens and thousands. ये छोटे छोटे जो balls होते हैं ना, उनको tens and thousands कहते हैं। ये red and blue जो है वो चीनी है। बस done. That's your cake. Eggless cake हमारा ready. चलिए जी, इसको हम हटा देते हैं, इसका काम हो गया। अब हम recipes की तरफ आते हैं, आज की जो हैं। पैन एक है हमारा चूल्हे पे, आप सोच रहे होंगे उसमें मैं क्या कर रही हूँ। मैंने बादाम डाल दिए थे, मैं दिखाती हूँ, क्वार्टर कप जितने बादाम लीजिएगा, ये देखें, पानी में, गर्म पानी में बादाम डाल दिए थे। अब उसका हमें छिलका उतारना है, इससे ऐसे करके छिलका उतर जाता है, देखा, ये हम करते हैं, इसको मैं छान लूँ। इनको मुझे पीसना भी है अभी, सो आई हैव नॉट डन दिस, मैं आपके सामने पीसूंगी अभी। बादाम को जब भी गर्म पानी में डालें, बहुत देर के लिए प्लीज़ इसको नहीं छोड़ते हैं, फिर क्या होता है, बादाम का अपना भी कलर जो होता है वो ब्राउन सा हो जाता है, सो लीव देम लाइक दिस, ठीक है। थोड़ी देर पानी में, गर्म पानी में या एक उबाल आ जाए फिर निकाल दीजिए, और बस हाथ से ही इस तरह हो जाता है। मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज किसी ने मुझे कहा था हमें बादाम का छिलका उतारना नहीं आता है, सो फॉर देम, ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम पीसेंगे, चावल के साथ दूध पाक बनाएंगे हम लोग, दूध पाक को पूड़ियों के साथ, ठंडा दूध पाक, गर्म पूड़ियाँ, उसके साथ हम खाते हैं।
तो ये दोनों आज की रेसिपीज़ आई होप आपको अच्छी लगेंगी। वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों को अपनी पारसी रेसिपीज़ भी सिखाती हूँ, इसलिए कि आप लोग कहते हैं, आप लोगों की फरमाइश है कि आपको सीखना है, कुछ मुख्तलिफ नहीं है, वही चीज़ें हैं, बस जस्ट अ लिटिल डिफरेंट वे ऑफ मेकिंग इट। मैं सोल फिश लेके आई हूँ, आप सुरमई लें कि आप रेड स्नैपर लें, कोई भी कांटा चमड़ा निकाल के मछली होनी चाहिए, पॉम्फ्रेट से भी बना सकते हैं, पापलेट से, ठीक है, जो भी आपके शहर में मिलती हो आसानी से। सर्दियाँ आएंगी तो बहुत सारी फ़िश आ जाएगी, वैसे हम कराची में वी आर सो ब्लेस्ड टू बी ऑन द कोस्ट कि बहुत सारी मछली अवेलेबल है, सी फूड है, लेकिन लोग खाते नहीं हैं, लोग डरते हैं कांटा चुभ जाएगा गले में या स्मेल आती है, कुछ नहीं होता है। आपको कितनी दफ़ा सब ने सिखाया है हमने कि बस आप इसको सिरके के पानी में थोड़ी देर रख दीजिए या सिरके सिरका लगा के रख दीजिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलें, इसका निकल गया ऊपर का छिलका, अब मुझे क्या करना है वो हम बाद में करेंगे, इसको हम बाद में पकाएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फिश फर्स्ट। अच्छा, मैं एक चीज़ कर लेना चाहती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द इन्ग्रीडियंट्स ऑफ दूध पाक। दूध है 1 लीटर, ठीक है, किशमिश है, बादाम आपके सामने अभी छिलका उतारा, और इसमें हम पिस्ते डालेंगे, चीनी है, चावल है, ज़ाफ़रान एसेंस या ज़ाफ़रान आप क्रश करके यूज़ कर लीजिए, छोटी हरी इलायची का पाउडर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ये दूध उबालना है। अब मैं ऐसे करती हूँ, मैं दूध उबालने के लिए साइड में यहाँ रख देती हूँ ताकि ये चीज़ साथ साथ हो जाए। मैंने कोई रिड्यूस विड्यूस नहीं किया है, इसको हमें पकाना है अभी, तो मैं दूध इसमें डाल देती हूँ, पूरा लीटर है। शेफ़ कुकवेयर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान फर्स्ट कंपनी प्रेशर कुकर बनाने वाली, और जो मटेरियल इनका यूज़ होता है नॉन स्टिक वेयर में, वो फूड ग्रेड क्वालिटी का होता है। इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ज़रूर घर लाइएगा, पॉट्स एंड पैन्स आर वेरी गुड, इस्तेमाल करिएगा। और मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि 13 अक्टूबर को मसाला टीवी की कुकिंग क्लास है लाल किला हैदराबाद में, वहाँ समीना जलील, रिदा आफ्ताब, इरफान वास्ती और आबदा बलोच होंगे। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे मज़ेदार रेसिपी सीखना चाहते हैं, इनके ऑटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, तस्वीर लेना चाहते हैं, तो आप जल्दी जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइएगा, वहाँ जाइएगा और मज़े से इनसे मिलिएगा, चीज़ें खाइएगा। और जो हैदराबाद के गिर्द नवा के शहर हैं वहाँ से भी अगर आपको जाना है तो वाई नॉट मेक अ डे ट्रिप, ठीक है। ओके जी, ये भी हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम शुरू करेंगे विथ आर प्याज। मैंने 3 प्याज लिए थे, बिल्कुल चॉप कर दीजिएगा और उसको आप फ्राई करने रख दीजिए। आम घर में जो हम खाते हैं ये वो वाली रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ इस्तेमाल करिएगा ये सारी रेसिपीज़ और फ़ायदा उठाइए। तेल अबाउट से 2-3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, ये भी इतना मैं ले रही हूँ बिकॉज प्याज को फ्राई करना है। 3 प्याज हैं ये, ठीक है। इसमें जाएंगे कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, लहसुन, चावल का आटा और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है, ठीक है, और धनिया है हरा चॉप किया हुआ। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे नमक और तेल, ये हो गया समथिंग डिफरेंट, चावल का आटा। और ये है फ़िश फिले, सोल फिश है ये, देखा आपने, बड़े पीसेस में आपको रखना है, बड़े पीसेस साबुत रख दीजिए, बीच में से काटना है काट दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। कांटा चमड़ा निकला हुआ है, सोल फिश में बाज़ वक्त थोड़ा सा साइड में कांटा होता है, देख के खाइएगा, लेकिन वैसे मोस्टली कांटे मैंने निकलवा दिए हैं। चले जी, तेल यहाँ गर्म हो गया, प्याज डाल देते हैं। वैसे साथ साथ चूल्हे पे मीठा और ऐसा खाना नहीं बनाते हैं, बट वी हैव टू स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग ऑन आर शो क्विकली, सो इसलिए मैं साथ साथ चीज़ें करती हूँ। ऐसे आपको लगे तो इसके ऊपर हम ढक्कन ढाँक सकते हैं दूध पे, और इसकी आंच हम कम कर देते हैं ताकि वो उबल नहीं जाए जल्दी से, ठीक है। और जब तक प्याज यहाँ फ्राई कर रहे हैं, ब्रेक का वक्त भी हुआ जाता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, ये देखें फ़िश रस के लिए मैं यहाँ तेल गरम करके 3 प्याज को बिल्कुल छोटा बारीक आपने चॉप कर दिया, और उसको आपने पहले ब्राउन करना है, इसलिए इट टेक्स टाइम, ठीक है। हर चीज़ ब्राउन प्याज जो रेडीमेड हो उससे नहीं शुरू करिएगा, तो दैट इज़ वाई आई एम गिविंग इट सम टाइम। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम लहसुन डालेंगे 3 से 4 जवे बड़े वाले, नमक जाएगा इसमें, धनिया पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर है, हरी मिर्चें हैं,
और ये जो है हरी मिर्चें और धनिया, ये तो डेकोरेशन है, चावल सर्विंग के लिए है. एंड राइस फ्लावर विल गो इन, चावल का आटा. फिर पानी भी डालेंगे बिकॉज फिश को हमें पकाना भी है. पतले फिले हों मछली के तो ऑब्वियसली जल्दी से हो जाएंगे, मोटे होंगे टाइम लगेगा. ठीक है, उसी तरह की बड़ी एक डिश लीजिएगा, पैन पॉट जिसमें आप पकाएंगे उसको, ताकि जल्दी से पक जाए. और बहुत टाइम लगती भी नहीं है, मछली को टाइम लगता ही नहीं है. केक हमने जो कल बनाया था वो डेकोरेट करके रख दिया है, किसी भी तरीके से करिएगा, बीच में से काट सकते हैं, गनाश लगा दीजिए, लेकिन प्लीज़ इसको मॉइसन ज़रूर करिएगा, स्पेशली जबकि हमने इसको दूसरे दिन काटा है. ठीक है, और यहाँ हल्की आँच पर मैंने दूध छोड़ दिया है ताकि ये बॉयल होता रहे. बस ये हो जाएगा, फिर हम चीज़ें डालेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी. मछली खाइए, एटलीस्ट हफ्ते में एक दो दफ़ा मछली खाइए, मोर देन गोश्त मछली बहुत ज़रूरी है फॉर योर ब्रेन ऑल्सो. बच्चों को खिलाइए, सालन में नहीं खाते हैं अगर बच्चे, तो उनको फ़िश फिंगर्स या फ्राई करके दीजिए, चिप्स के साथ दे देंगे तो ब्राइब हो जाएगी. ठीक है, खिलाइए ज़रूर. अच्छा, आप देखते हैं मैं हमेशा प्याज को हल्का सुनहरा करती हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देती हूँ, फिर वो काला सा लगता है, सालन भी काला हो जाता है. सो लाइट ब्राउन हो जाए फिर आप उसमें दूसरे अज्जा डालना शुरू करेंगे. चलिए अब मैं इसमें डालती हूँ लहसुन. 3 से 4 जवे आप चॉप करके लहसुन डालिएगा और उसको अच्छी तरह आप सॉटे कर लीजिएगा. ठीक है, फिर ये कड़ी पत्ते हैं, असल कड़ी में या रस में या जो भी होती है ना ऐसी चीज़ें, ग्रेवीज, उसमें ये जो कड़ीज होती हैं उसमें ये जो मज़ा है ना, एक्चुअली कड़ी पत्ते का भी है. कुछ शहर में नहीं मिलता है, सब्ज़ी वाले के पास मिलता है, नर्सरी में प्लांट्स मिलते हैं, प्लांट्स लाइए घर में रोप दीजिए, डाल दीजिए घर में, उगता है बहुत अच्छी तरह इन अ नाइस पॉट, बड़े पॉट में बहुत सारे हो जाते हैं बहुत जल्दी, ज़मीन में भी होता है. चलिए अब लहसुन और प्याज अच्छी तरह हो गया, सो लेट्स ऐड इन आवर कड़ी पत्ता. अच्छी तरह धो के डालिएगा प्लीज़, और उसको भी थोड़ा सा स्प्लटर ऐसे होने दीजिएगा. फिर दूसरे अज्जा जाएंगे, मसलन हरी मिर्चें हैं चॉप करके डाल दीजिएगा, और ज़ीरा पाउडर है. देखिए कितने कम मसालों से सालन बन भी जाएगा. नमक है, मछली खुद भी नमकीन होती है, बहुत ज़्यादा ओवर नमक नहीं डालिएगा प्लीज़. कड़ी पत्ते और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ रही है. बुशरा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ अभी. जी हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए. ज़ारनक जी, मेरा नाम जो है ना वो इतना यूनिक है कि लोगों को अभी तक समझ नहीं आता है, बहुत सारे लोग. बताया था कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे इस तरह कोई बुलाए. अच्छा जी, थैंक यू, आपने याद रखा. बिल्कुल जी, जाहिर है हम आपके फैन हैं तो याद तो रखेंगे आपकी चीजें. थैंक यू. ये छोटी छोटी बातें आप लोगों से रिलेटेड में रहती हैं. जी बिल्कुल जी, फरमाइए. जी मैंने पूछा था, ये एग योक जो 100 ग्राम से हैं, क्या जी, क्या जी, लेमन कर्ड बनाने के लिए अगर 100 ग्राम एग योक लिखे हैं तो वो कितने होंगे, मतलब अगर मेजरमेंट के लिए ना हो तो? देखिए मैं 3 अंडे की जर्दियों को मैं इस तरह मेजर नहीं करती हूँ. मेरी लेमन कर्ड की रेसिपी है ना, नेट से निकालिए ना, मैंने भी तो सिखाया है लेमन कर्ड. ठीक है. अच्छा, जो बावर्ची होते हैं ना वो हर चीज को ग्राम में तोल देते हैं, अंडे ग्राम में नहीं तोलते हैं. अच्छा, वो समय कर वो शीन आपा वाले शो में उन्होंने बनाया था लेकिन वो मिस हो गया थोड़ा सा. हाँ नहीं, मैं उस तरह लेमन कर्ड को, मैंने कहा चले आपसे गाइड नहीं लेनी, मैं उस तरह लेमन कर्ड नहीं बनाती हूँ. वैसे आप वेइंग स्केल पे अंडे की जर्दियाँ तोड़ के खुद चेक कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडे वे कर, वेइंग स्केल ही नहीं है सर, मैंने कहा कि आपसे पूछ लूं. वेइंग स्केल नहीं है तो बेकिंग फिर अटेम्प्ट नहीं करिएगा, बिकॉज बेकिंग वेइंग स्केल के बगैर फिर 19-20 का फर्क हो जाएगा. आप इन्हीं के शो में आज फोन करके पूछ लीजिएगा ना. ठीक है, मैं कभी भी नहीं तोलती हूँ अंडे अंडों को, मगर हमेशा मैं जो मैंने सिखाई है आप लोगों को लेमन कर्ड की रेसिपी, वो ट्राई करिएगा, नेट पे ढूंढ लीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए, लेमन कर्ड बाय ज़ारनक सिधवा, आपको मिल जाएगी, गूगल कर दीजिए. डेली मोशन पे सारे हमारे शोज़ हैं, उसकी वीडियोज़ हैं वो देख लीजिए.
ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मछली का जो रस हम बना रहे हैं, ग्रेवी बना रहे हैं, उसके लिए मैंने तेल गरम किया था, 2-3 चम्मच गरम हो गया, तो 3 प्याज चॉप करके डाल दिया, सॉटे करिएगा अच्छा सा ब्राउन हो जाए। कड़ी पत्ते डाले 4-6, मैंने छोटी हरी मिर्चें चॉप करके डाल दी, 3-4 जवे लहसुन के बड़े बड़े क्लोव्स से वो चॉप करके डाल दिए, अच्छी तरह भूनना है आपने। इसमें नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर डाला है। फिर आपने इसमें डालना है चावल का आटा, ठीक है, और चावल का आटा डाल के आपको इसको भूनना है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉज टॉकिंग। ये चावल का आटा है, 3 चम्मच अभी मैंने डाला है, हल्की आंच पे इसको पहले भूनेंगे, कच्चा कच्चा वरना लगेगा। हल्की आंच पे भूनते रहिएगा, फिर इसमें हम पानी डालेंगे और क्या रहता है, मछली, दैट्स इट। देखें कितना सिंपल है, आसान तरीका है, ट्राई रेसिपी जरूर करिएगा, ठीक है। 4-5 अज्जा से बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपीज बन जाती हैं। हल्की आंच पे चावल के आटे को भूनते हैं हम, ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें जो बादाम को ब्लांच किया था, यानी गर्म पानी में डाल के इसका छिलका उतार दिया था, उसको हमें पीसना है, दूध में डाल देना है, ठीक है। ये आपके सामने बादाम, ठीक है जी, ये चला गया। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे, 4 बड़े चमचे भर के चावल थे, कच्चे चावल हैं, ठीक है, पीसना वीसना कुछ नहीं है, दूध, पिसे हुए बादाम और चावल। फिर इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, छोटी हरी इलायची का ये पाउडर है, और इसको पकने देंगे। जब ये हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, अभी नहीं चीनी, ठीक है, ज़ाफ़रान और ये किशमिश, कड़क पूड़ियाँ हैं और ये पिस्ते हैं, सब इस यहाँ से हटा देते हैं, और जो मछली है बस हमें वो डालनी है। लेकिन पहले मैंने आपके सामने जो फिश रस के लिए सॉटे किया था चावल का आटा, उसको मैंने बहुत कम आँच पर सॉटे किया था, याद है ना, 1-2 मिनट, फिर इसमें आप पानी डालिएगा, फिर इसको एक उबाल आने देते हैं। चावल का आटा डालने के बाद अगर गुठलियां सी बन जाएं तो इसको विस से या चम्मच से इस तरह प्रेस डाउन कर दीजिएगा, और फिर उबाल आएगा, फिर मछली छोड़ देंगे अंदर आराम से, आहिस्ता आहिस्ते उसको, फिर चमचा नहीं चलाएंगे। फिर अगर आपको पता नहीं हो कि हो गई है कि नहीं मछली, बाज वक्त अंदर से कच्ची रह जाती है, छुरी पोक करके देख लीजिएगा या कांटा पोक कर दीजिएगा, व्हाटएवर। अच्छा, मीनवाइल यहाँ चावल बॉईल हो रहे हैं, पिसे हुए बादाम हैं, इलायची पाउडर है, आप ज़ाफ़रान डालें, ज़ाफ़रान का एसेंस डालें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, और डेकोरेट हम कर देंगे इसको पिस्ते और किशमिश के साथ। फिर आप इसको जिस तरह भी सर्व करना चाहें, हम लोग तो इसको ठंडा करते हैं, 1 दिन पहले बनाते हैं, बिल्कुल यक ठंडा चिल होगा फ्रिज में, और गरम गरम पूड़ियाँ फ्राई करके रखिएगा, कड़क पूड़ी के साथ भी जाता है और वो दूसरी वाली पूड़ी के साथ भी, आई लाइक कड़क पूड़ी, उसमें कड़क पूड़ी डाल के खाते हैं हम लोग, बहुत गर्मी जब होती है ना उसमें ये डिज़र्ट बहुत बेहतरीन रहता है, दूध पाक। देखें इसमें उबाल आ रहा है, इसकी ग्रेवी का कलर ये होता है इसलिए कि इसमें हम प्याज जो है उसको अच्छा सा हमने ब्राउन करना है। भक्कड़ से सोबिया की कॉल आई है जी, हेलो सोबिया, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जरना, क्या हाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आपके सामने, फरमाइए।
बस आपकी तारीफ करनी थी कि आप बहुत अच्छा समझाती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका शो देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, रेसिपी जरूर ट्राई करते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। और लाहौर आएंगे हम 16-17 नवंबर को, तो आइएगा भक्कर से हमें मिलने। अच्छा ठीक है जरना। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, ये हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा पानी और, बिकॉज ऑब्वियसली इसको रस का मतलब होता है कि शोरबा, राइट, ग्रेवी। अब हम इसमें आहिस्ता से ये सारी मछली इसको डाल देते हैं। बड़ा पतीला होता है ना, तो इसमें आप आराम से सब कुछ चला जाते हैं। इसको आप छोटे पीसेस में भी काट सकते हैं, छोटे छोटे भी कर सकते हैं, बीच में से हाफ कर दीजिएगा। मुझे इसका चूल्हा कम करना है, दूध बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूध को पका के हमें रिड्यूस नहीं करना है, ये याद रखिएगा। दूध को पकाना है लेकिन कम नहीं करना है, गाढ़ा नहीं होता ये बहुत। अब हम इसके ऊपर ढक्कन ढाँक देते हैं ताकि मछली होती रहे, और अगर आपको हिलाना भी है तो इसको पैन से ऐसे पकड़ के हिलाइएगा, चम्मच नहीं चलाइएगा। ओके, अब मैं इसमें चावल चेक कर लेती हूँ, इफ़ द चावल हैज़ स्टार्टेड टू बिकम सॉफ्ट। क्योंकि अगर चावल कच्चे होंगे और आप इसमें डालेंगे चीनी तो ये जकड़ से जाएंगे। चावलों को हो जाने दीजिएगा, फिर ज़ाफ़रान का एसेंस डाल दीजिए। मैं तो डायरेक्टली डाल दूँगी, इसलिए कि मुझे इस ज़ाफ़रान को नहीं कोई पानी में घोलना है। अगर आप ज़ाफ़रान यूज़ कर रहे हैं तो उसको पहले आपको पानी में घोलना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसको क्रश कर दीजिएगा माइक्रो में डाल के, ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आए। ये ज़ाफ़रान एसेंस बहुत अच्छा है, तो मैं तो इसी को इस्तेमाल करती हूँ। चलाते रहिएगा साइडों पे से, लग जाता है, नीचे लग जाता है दूध, फिर वो ब्राउन बिट्स आ जाएंगे तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा जी, नाउ चीनी जाएगी, बहुत सारी चीनी, मीठा बनता है ये। अच्छा चलें, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं पूरा दोबारा से। एक लीटर दूध था, 3 चम्मच भर के हमने किशमिश ली थी, 1 टीस्पून पाउडर्ड ग्रीन कार्डमम्स यानी छोटी हरी इलायची था, छिलको समेत पीसिएगा, छानिएगा, दोबारा पीसिएगा, इस तरह करिएगा। 2 चम्मचे भर के पिस्ते हैं चॉप करने हैं हमने। पानी मैंने लिखा है हॉट वाटर, अगर आप ज़ाफ़रान यूज़ कर रहे हैं, मैं ज़ाफ़रान एसेंस डाला है, पानी की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी, 250 ग्राम चीनी थी इसमें, 1 लीटर दूध में 250 ग्राम चीनी डालिएगा। और आप चाहें तो इसको पतला करना है, बिकॉज कुछ लोग इसको कप में डाल के पीते हैं, तो फिर आप उसमें 1 कप पानी भी शामिल कर दीजिएगा। 4 चम्मच इसमें चावल थे, ठीक है जी। ओके, ये हो गया मछली। अब्दुल हकीम जगह है, वहाँ से है नरगिस की कॉल जी। हेलो, जी सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ये कौन से शहर है ये? मैंने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना है। ये अब्दुल हकीम है, मुल्तान से, ये खान वाल से भी जो है। अच्छा, वहाँ है, छोटा सा शहर अब्दुल हकीम। अच्छा जी, ठीक है, बोले जी। मुझे आपसे पूछना था कि मैंने पक्का पपीता लिया था। क्या जी? पपीता, पपीता नहीं होता पक्का हुआ जी, वो मैंने लिया था, उसका मैंने पेस्ट बनाया है, पक्के पक्की पपीते का पेस्ट बनाया। हाँ जी, तो उसको फ्रीज कर सकते हैं? हाँ कर दीजिए। क्यों, कच्चा पपीता नहीं मिला? कच्चा नहीं मिला आपको? नहीं, कच्चा नहीं मिला था, पक्का मिला था। अच्छा, वैसे टेंडराइजर के तौर पे कच्चा पपीता यूज करते हैं, छिलके समेत पीस के रख देते हैं। अच्छा सर, कच्चा छिलके समेत? कच्चा ही मिलता है, उसी को यूज करें ना, हरा वाला जो होता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। Okay. नहीं तो पक्का नहीं डाल सकते ये गोश्त? मैं नहीं डालती, कुछ लोग डालते हैं मैंने सुना है, मैं कभी भी पक्का नहीं डालती। मैं वैसे टेंडराइजर के तौर पे इसको इस्तेमाल करती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लोगों को आदत है, बिहारी बोटी वगैरह में डालते हैं, कुछ चीज़ों में डालते हैं, लेकिन मैं संभाव नहीं डालती हूँ। ठीक है जी, ये हमने चावल को भी चेक कर लिया, चावल इज़ डन। बस अब हमें डिश में निकालना है, चॉप करके पिस्ते डालने हैं, किशमिश उसके साथ ऊपर डाल देनी है, ऑब्वियसली अंदर चली जाएगी, और हमें पूड़ियों के साथ इसको सर्व करना है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी सी आ रही है मछली में से, देखें। इसका मैं आँच हल्की कर दूँ, बिकॉज़ ये नीचे ना चावल का आटा जो है वो नीचे लग जाएगा। इस तरह का ग्रेवी का कलर देखें, इस तरह का, अब देखें, मैं बहुत आहिस्ता से इसको
कर रही हूँ ऐसे, काफ़ी गाढ़ा है इसमें, थोड़ा सा रस है ना, तो ऑब्वियसली ग्रेवी चाहिए हमें, पतली ग्रेवी चाहिए टू हैव विथ चावल. पानी इसमें होना चाहिए, मछली तो बहुत जल्दी हो जाएगी. थोड़ा सा धनिया अंदर जाएगा और हरी मिर्चें भी साबुत जो हैं वो भी पूरी अंदर जाएंगी. इसके मैं ऊपर के डंडियां निकाल दूं. ओके, हल्का सा मिक्स कर दीजिएगा, हल्का सा, मछली के पीसेस टूट नहीं जाएं. छोटे होंगे और टूट जाएंगे, बड़े हैं तो एटलीस्ट हाफ तो हो जाएंगे ना, अगर टूटे भी तो. लेकिन छोटे हों तो चमचा नहीं चलाइएगा, बस आँच हल्की और ढक्कन. और दूध पाक पे आ जाते हैं दोबारा. चीनी भी इसमें घुल गई है, इसमें वो चावल भी हो गए हैं. किशमिश में अंदर ही डाल दूँगी, ठीक है. ये किशमिश है, धो के इसकी डंडियाँ निकाल के प्लीज़ डालिएगा. सब कुछ हो गया, सब हमें चॉप करना है उसको, पिस्तों को. अच्छा, मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूं कि कितना पतला दूध पाक होना चाहिए. देखें इस तरह का होना चाहिए, ठीक है. दूध को गाढ़ा नहीं करना है हमने, ये पीते हैं हम लोग इसको. दिस इज नॉट लाइक खीर और फिरनी, ठीक है. दूध पका पका के ख़त्म नहीं कर देना है. ब्रेक का वक्त है क्या, आप ले लेते हैं ब्रेक. हम कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी. हाँ जी, वेलकम बैक. देखें मैंने इसका चूल्हा भी बंद कर दिया था. नाउ सी द कंसिस्टेंसी. चावल भी आपको नज़र आ रहे हैं, कोई टोटा चावल नहीं है, बासमती है, ठीक है. और चावल ऐसे नज़र आने चाहिए. ये कंसिस्टेंसी दूध पाक की होती है. अब इसमें आप बादाम पिस्ते अंदर डालें, ऊपर डालें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वैसे ही सीप इन हो जाएंगे. अंदर तो कुछ चले जाएंगे ना. किशमिश पूरी चली गई अंदर, ये पिस्ते हैं, पिस्ते पूरे ऊपर डाल दीजिएगा इस तरह, ठीक है. थोड़े से ऑब्वियसली अंदर सीपिन भी हो जाएंगे. और कड़क पूड़ियाँ हैं वहाँ, उसके साथ हम सर्व करेंगे. आपको मार्केट में फ्रोज़न पूड़ियाँ जो मिल जाती हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं. कड़क पूड़ियाँ, मुझे कड़क पूड़ियाँ पसंद है. वेरी हॉट चावल मैंने छोटी मेरी मछली के उसमें निकाल दिया है. ये जो है हमारी रेसिपी, ये भी रेडी है, फिश की रेसिपी. बर्तन धो के इस्तेमाल किया करें. अच्छा जी, अब आहिस्ता से उठाइएगा. देखें ये जो फिश के पीसेस हैं ना, टूटने नहीं चाहिए, साबुत. लुक एट दिस लवली फिश. अब इसमें हम इसका रस डालते हैं. ये रस का कलर आया है ब्राउन प्याज से, और इसका जो टेस्ट है डिफरेंस सा, वो आया है चावल के आटे से. ज़रूर घर में ट्राई करिएगा. क्या है, कितना आसान है, और कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कोई डिफ़िकल्ट हो, या आपके घर में चीज़ें ना हो, या मैंने कोई ऐसी अजीबोगरीब अज्जा डाल दिए हों जो मिलते नहीं हो मार्केट में. ऐसे कभी मेरे रेसिपीज़ में होता ही नहीं है. सब चीज़ें अवेलेबल हैं सबके लिए. एक और फिश इसमें आ जाएगी, रख देते हैं, ठीक है. गार्निश इट विद अ स्प्रिग ऑफ ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया इधर उधर.
फिश कलेक्शन, मुझे मछली बहुत पसंद है. हमारे यहाँ मछली इज़ कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस, सो जो भी कोई बाहर जाता है मेरे लिए एक मछली ले आता है. अब देखें ना ये क्या है. मेरे पास मछलियाँ ही मछलियाँ हो गई हैं. अब शायदा हैं कराची से जी, उनसे करते हैं बात. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी. मेरी आज आपकी शो में पहली दफा कॉल लगी है और इत्तफाकन लगी है. वेलकम टू आवर शो जी. वेलकम टू आवर शो, खुशामदीद. हाँ जी जी. और आज अब फिश का बहुत मजे का बना रही हैं, ट्राई करिएगा, बहुत ही आसान थी रेसिपी. जी 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 जी, मीठा भी आपका बहुत इजी है. आपका बहुत आसान, मेरी रेसिपीज झटपट तैयार, बिल्कुल आसान. ठीक है जी 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 जी, बिल्कुल. मैंने आपके लाइव शोज भी कई दफा अटेंड किए. अच्छा, कहाँ? जी जी, एक तो यहाँ पे एक्सपो में भी आपका अटेंड किया है. अच्छा हाँ जी, अभी लाहौर जाएंगे अगले महीने. अच्छा, अभी लाहौर जाएंगे. अच्छा, जी अच्छा. सही. और आज आपका क्वेश्चन है? आपका कोई नहीं, आज हमने कोई सवाल नहीं रखा. अच्छा, सवाल नहीं रखा. ओके ओके, थैंक यू. इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, शोज देखिएगा, रेसिपीज फॉलो करिएगा. कॉल करने का बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ हम लेते हैं एक रेसिपी रिकैप ब्रेक, क्योंकि वक्त हो चुका है. आप लोगों ने अगर आज की दोनों रेसिपीज में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो देखते रहिए हमारा शो. रेसिपी कार्ड चलेगा, कॉपी कर दीजिए अपनी डायरीज में, मेक योर ओन फूड डायरीज, ठीक है? और उसमें से रेसिपीज निकाल निकाल के कभी कभार ट्राई भी किया करें. सिर्फ डायरियां भरने से कुछ नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना अंग्रेजी में प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपको भी आ जाएगा. और बहुत ही आसान रेसिपीज दोनों आज की थी. फिश रस पारसी स्टाइल, हमने मछली का रस यानी ग्रेवी कैसे बनाते हैं वो सिखाया था. प्लेन चावल के साथ आप उसको सर्व करिएगा, पापड़ भी हो सकते हैं इसके साथ. और हमने कड़क पूड़ियों के साथ दूध पाक कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाया है. रेसिपीज ज़रूर नोट करिएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा. और फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा मसाला टीवी का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का. 5 लाख जितने मेंबर्स हो गए वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा. और फोटोज सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अलग अलग महीनों के अलग अलग एल्बम्स हैं. देखते रहिए मसाला टीवी. दूध पाक अज्जा. दूध 1 लीटर, किशमिश 3 खाने के चमचे, पिसी सब्ज़ इलायची 1 चाय का चमचा, कटे पिस्ते 2 खाने के चमचे, गर्म पानी 1 खाने का चमचा, बादाम 1/4 कप, ज़ाफ़रान 1 चाय का चमचा, चीनी 250 ग्राम, पानी 1 कप, चावल 4 खाने के चमचे. तरकीब: भीगे हुए बादाम छील कर पीस लें, ज़ाफ़रान गर्म पानी में घोल लें, पैन में दूध उबाल कर बादाम का पेस्ट और भीगे चावल शामिल करके धीमी आँच पर पकाएँ और चम्मच चलाते रहें. अब इसमें ज़ाफ़रान वाला पानी, चीनी, पिसी सब्ज़ इलायची, कटे पिस्ते और किशमिश शामिल करके पकने दें. जब आमेज़ा गाढ़ा हो जाए और चूल्हे से हटा के ठंडा करके सर्व करें. फिश रस अज्जा. मछली 1/2 किलो, चॉप्ड प्याज 3 अदद, कड़ी पत्ते 10 अदद, चॉप्ड हरी मिर्चें 4 से 6 अदद, चॉप्ड लहसुन 3 जवे, चावल काटा 2 से 3 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, चॉप्ड धनिया 1/2 कट्ठी, नमक हस्ब ज़ायका, तेल 3 खाने के चमचे. तरकीब: तेल गर्म करके कड़ी पत्ते भूनें, जब कड़कड़ाने लगें तो प्याज शामिल करके सौते करें. अब इसमें हरी मिर्च, चॉप्ड लहसुन और पिसा जीरा सौते करें और थोड़ी देर पकाएं. फिर चावल का आटा डालकर मज़ीद 2 मिनट सौते करें. उसके बाद पानी शामिल करके उबाल आने दें. अब इसमें नमक और मछली डालकर 6 से 7 मिनट पकाएं. जब मछली पक जाए तो चॉप्ड धनिया डालकर सर्व करें. वेलकम बैक. मज़ेदार से कमेंट्स में सुन रही थी क्या क्या चीज़ें क्या लग रही हैं. खैर ये है चावल और मछली का सालन है हमारा स्टाइल, पारसी स्टाइल, इट्स कॉल्ड फिश रस, दिस इज़ दूध पाक, ठीक है? और इसको इसी तरह पतला रखिएगा, दूध को उबाल के बिल्कुल रिड्यूस नहीं कर दीजिएगा. उसको कड़क पूड़ियों के साथ हम खाते हैं, मैं कड़क पूड़ियों के साथ खाती हूँ. वैसे गर्म गर्म पूड़ियाँ जो फ्राई करके तेल में से निकली हुई हों और ठंडा सा ये यक ठंडा चिल्ड दूध पाक हो, बेस्ट थिंग फॉर अ
यू नो अ हॉट डे. और ये केक है कल वाला जो हमने बनाया था, उसको आप ज़रूर पोक करिएगा. उसमें चीनी पानी का शीरा डालिएगा, शुगर सिरप, और फिर इसके ऊपर गनाश या ट्रफल जो था, एगलेस चॉकलेट केक है ये हमारा, ठीक है. केक चॉकलेट का नहीं है, ऊपर का चॉकलेट का है. सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ एन्जॉय की होंगी. ट्राई करेंगे, बहुत ही आसान सी रेसिपीज थी, लेकिन आर स्टाइल, हाउ वी कुक एट होम, हमारा घर का रोज़मर्रा का खाना होता है, ठीक है जी. चलिए आप भी नोट करिएगा अपनी डायरी में, ज़रूर बनाइएगा. दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, कुछ भी मिस आउट हो जाए तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा, 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है. और जाते जाते याद रखिएगा कि मसाला है तो खाने में है मज़ा. खुदा हाफिज़.